मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लग रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यशोधरा राजे सिंधिया जो मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री हैं, उनके भतीजे माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा की ओर जा रहे हैं। यह फोटो 2018 की है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान पहुंचे हुए थे। उस दौरान अशोक गहलोत सरकार बन रही थी और वसुंधरा ने उन्हें गले लगा लिया था। कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कमलनाथ की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ठान लिया है इनके 16 विधायकों में से जो 6 मंत्री हैं कमलनाथ सरकार में और 10 विधायक, सभी इन दिनों गायब नजर आ रहे हैं। उनके मोबाइल फोन बंद हैं। ये विधायकों की लिस्ट है जो बेंगलुरु में टिके हुए हैं। ये दो बहनें पहले से ही भाजपा में अपना कब्जा जमा चुकी हैं। अब माना जा रहा है कमलनाथ नाराज भले हो गए हों, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस से बाहर जाना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बुआ के नक्शे कदम पर हैं। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूपी चुनाव में प्रभारी बनाया गया था, मगर प्रियंका गांधी यूपी की पूरी प्रभारी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। माना जा रहा है कि 16 मार्च से जब मध्य प्रदेश में बजट सत्र शुरू होगा, उस दौरान अपने बुआ के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे उनकी कैबिनेट में जा सकते हैं, इसका भी प्लान बन रहा है। राहुल गांधी लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की कमान इन दिनों सोनिया गांधी के हाथ में है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात सोनिया गांधी से नहीं हो पा रही है, या मध्य प्रदेश के दिग्गज खिलाड़ी दिग्विजय सिंह कमलनाथ अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने में फेल हुए हैं? अमित शाह भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में न ला सके हों, मगर भाजपा के विधायक संजय पाठक के साथ जो हुआ उसका पूरा असर मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है। कमलनाथ भले ही संकट में हो, सरकार संकट में है, लेकिन वो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान देने से बच रहे हैं। सड़क पर उतरने की बात करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे, मगर लगता है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ फेल हुए और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बुआ की राह पर चल पड़े हैं। इसका असर राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों में बड़े स्तर पर देखा जाएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और उनकी दोनों बुआ भाजपा की नेता हैं, एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री रही हैं। अब माना जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस फैसले के बाद क्या असर पड़ेगा, मगर राज्यसभा में इन्हें जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का फेरबदल होने वाला है और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि इनकी मांग इन्हीं दो मुद्दों पर जा करके खत्म होने वाली है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या महाराज का खेल मध्य प्रदेश में चल पाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।